हरिओम, मैं भावना मनीष सोनी, भाईंदर हिंदी उपासना केंद्र। एक्चुअली आज मैं जो अनुभव बोलने जा रही हूँ वो देखा जाए तो ऐसा है कि तू ही तारणहार, जिसका हाथ तेरे हाथ में है उसका कोई बाल भी बाखा नहीं कर सकता है। एक्चुअली मैं जैन हूँ और 2007 में, उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, तभी का अनुभव बोल रही हूँ मैं। मेरी तभी ज़रा तबीयत बिगड़ गई थी और उस टाइम हम लोग डोंबिवली में रहते थे। तो डोंबिवली में मेरे पास ट्यूशन में एक आते थे बापू भक्त परिवार का एक लड़का, उसका नाम भी अनिरुद्ध ही था। तो उसकी मम्मी ने मुझे बोला कि तेरी इतनी तबीयत ख़राब है तो तू हमारे बापू के पास आना करके। तो मैं तभी भी उसको इतना ही बोली कि नहीं नहीं रे, मैं ऐसे साधु संतों में यहाँ वहाँ मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो उसने बोला पर फिर भी तू साई को तो मानती है ना। मैंने कहा साई बाबा को मैं मानती हूँ। तो बोले उसकी जैसे उधि रहती है ना वैसे इसकी भी उधि है, तो तू खाली उसकी उधि तो तेरे पास रख। तेरी जब भी ऐसा कभी तबीयत खराब हुई कि ऐसा कुछ हुआ और तुझे ऐसा लग रहा है कि मुश्किल समय है जहाँ पे तेरा रास्ता कुछ नहीं निकल रहा है, तो तू वहाँ पे बापू की ये उधि लगाना, थोड़ा खाना और बापू को याद करना, बापू तेरी श्योर हेल्प करेंगे। बोले ठीक है चल। उसका वो सम्मान रखने के लिए मैंने वो उधि रख दिया मेरे पास। ऐसे 2008 में मेरा डिलीवरी का समय आया, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा थोड़ा बापू को मानना चालू कर दिया था मैंने, क्योंकि ऐसे दो चार प्रसंग आ गए कि मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट होने लगा था कि नहीं बापू है करके। तो मैंने वो मैं फिर वहाँ पे डिलीवरी के टाइम पहुँची तो मेरा केस बहुत क्रिटिकल था। डॉक्टर ने रात को एडमिट किया मुझे, 12 बजे इंजेक्शन देने में आया और मेरे को तब भी पेन चालू हो गया। दूसरे दिन 1 बजे तक लेकिन मेरा डिलीवरी नहीं हुआ था, मुझे बहुत ही तकलीफ चालू था। तो मेरी वहाँ पे एक फ्रेंड आई, उसने बोला कि तू बापू को मानती है ना, तो फिर बुला बापू को, वो आएगा, वो तो ऐसे भी डॉक्टर ही है तो क्यों नहीं आएगा। और मैंने बेड पकड़ के ज़ोर से चिल्लाया कि बापू, और मेरी वही नॉर्मल बेड पे ही डिलीवरी हुई। मेरा वहाँ पे ऑपरेशन की तैयारी चालू हो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी इसके लिए, पर ऑपरेशन कैंसिल होके मेरी डिलीवरी वहीं पे हो गई। वो तो नॉर्मल डिलीवरी हुई, लेकिन जो तारणहार है उसने जैसे मेरे को आज तारा है, आज मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने, वो प्रसंग अभी आ रहा है। मेरी बेटी 1.5 महीने की हुई, उसके बाद मुझे बुखार आना स्टार्ट हुआ, मेरी बहुत ही तबीयत ख़राब हो गई उस टाइम पे। और हमारा फैमिली डॉक्टर जो है वो ऐसे रहते मुलुंड है, और वो तभी हमारे इधर डोंबिवली में उसका क्लिनिक उनका अभी भी उधर ही है। तो मैं वो भी नहीं थे और मेरे को आजू बाजू के दूसरे सब डॉक्टरों के पास से दवाइयाँ लेनी पड़ी, और उन्होंने सब दवाइयों का अलग अलग सब उपचार हुआ ये वो, और एक डॉक्टर ने मुझे मलेरिया का दे दिया। और उसमें क्या हुआ, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो गया लेकिन सर में पूरे में बुखार की गांठें हो गई, मुझे बहुत ही तकलीफ़ और बढ़ गई, सर दुखना ये वो बहुत। और थोड़े टाइम के बाद जब 1 महीना कंप्लीट होने के बाद वो जब डॉक्टर आए तो मैं हमारे फैमिली डॉक्टर के पास चेकिंग के लिए गई। डॉक्टर ने बोला आपका केस बहुत ही ख़राब हो गया है, आपको अभी के अभी एडमिट होना पड़ेगा। तो मैं बोली अभी तो आज तो सैटरडे है, सैटरडे को मैं कहाँ एडमिट हो जाऊँगी। तो बोले नहीं नहीं डोंबिवली में नहीं, मैं मेरी पहचान से मुलुंड में आपका करवा के देता हूँ। तो उसने मुलुंड में हम लोग का मतलब एडमिट होने का उसने नक्की करवाया। तो संडे को मैं एडमिट हुई, मेरी ट्रीटमेंट चालू हो गई। और मंडे को सुबह में मम्मी नाश्ता करा रही थी मुझे, और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी वहाँ पे कोने में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि तारे ज़मीन पे उतर रहे हैं। तो मम्मी बोली वो तेरे को अभी सब तकलीफ़ है उसी वजह से तुझे ऐसा हो रहा होगा, कुछ नहीं बापू का पेंडल पकड़
और बापू को याद कर, सब अच्छा हो जाएगा। और बस अच्छा हो जाएगा बोलते ही मेरा प्राण पखेरु उड़ गया और मम्मी ने फटाफट डॉक्टर को बुलाया कि देखो देखो हमारी बेटी को क्या हो रहा है, क्या हुआ, ये अचानक ऐसे कैसे हो गई। तो डॉक्टर आए, चेक किया और बोला आई एम सॉरी, केस ख़त्म। तो मम्मी बोली नहीं, और मेरे हस्बैंड भी, दोनों जन एक ही बोल रहे थे कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, बापू अपनी बेटी को ऐसे हाल में छोड़ ही नहीं सकते, उसकी 2.5 महीने की बेटी है तो उसका कौन करेगा, उसकी माँ चली गई तो। बोले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो 3-4 बार बेचारा चेक करने को आया, 3 बार उसने कंटिन्यूस चेक किया, वो भी मम्मी के बोलने पे और एम्बुलेंस को बुलाने में आया। एम्बुलेंस आई, फिर मेरे को जो सलाइन वगैरह लगाई थी वो सब निकालने के लिए नर्स अंदर आई, तो नर्स को ऐसा फील हुआ कि उनकी सांसें चल रही है, ऐसा उसको फील हुआ। तो उसने ताबड़तोड़ डॉक्टर को बुलाया कि डॉक्टर एक बार अंदर तो आइए ज़रा, हम मुझे ऐसा डाउट है करके। तो डॉक्टर बोला उसकी मम्मी तो पागल हो गई है, उसने मुझे 3 बार चेक करने को भेजा, अभी तू भी। तो बोले डॉक्टर प्लीज़ मेरी तसल्ली के लिए एक तो आप एक बार तो चेक कर लो। और डॉक्टर ने जैसे चेक किया और ज़ोर से चिल्लाई कि मिराकल मिराकल। तो पहले तो हमारा फैमिली वाले एकदम वो हो गए कि मिराकल मतलब क्या, लेकिन उसने बोला कि गया हुआ केस वापस आ गया है, आ तो गया है पर कोमा में है, कब तक कोमा में रहेगा पता नहीं। तो मम्मी और वो लोग बोले कुछ नहीं, वापस तो आ गई ना, अभी अपने आप बापू उसका भी इलाज कर लेंगे। और आपको क्या बताऊँ, 1.5 घंटे में मैं कोमा से वापस आ गई, पूरा एकदम। अभी उसके बाद मेरा 2.5 साल ट्रीटमेंट चला, मैं फुल बेड रेस्ट थी, मेरे को साइड इफ़ेक्ट भी बहुत डॉक्टर ने बोले थे कि आपको ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, वो साइड इफ़ेक्ट, पर मुझे और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। मेरा ब्लड घुटनों से नीचे नहीं पहुंचता, आज भी अगर मैं कुछ ऐसा एकदम ज़ोर से ऐसा अचानक मेरे को झटका कोई दे दे कि ऐसा अभी हो गया कि किसी को ये, तो मेरे को अभी भी वो मेरा घुटने के नीचे ब्लड रुक जाता है। लेकिन अभी मैं आपके सामने जो सही सलामत हूँ बिकॉज ऑफ बापू, इसलिए तारणहार तू ही तारणहार, जिसका हाथ तेरे हाथ में है उसे उसका बाल कोई भी बाका नहीं कर सकता। हरिओम श्री राम अम्बग्न, नाथ सविद नाथ सविद नाथ सविद।